बिल्कुल भी नहीं हुई कि थोड़ी बहुत हुई, बस थोड़ी बहुत ही हुई। उतरने में ज्यादा देखो फिसल रहे, देखो आराम से भाई जी, आराम से आराम। गुरुद्वारा साहिब अंदर जाके मथा टेक के आते हैं। तो ये अपना एक दोस्त कबीरा वापस नीचे जा रहा है क्योंकि उसकी हो गई थोड़ी तबीयत खराब। बोले सो निहाल, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपीडी ब्लॉग पे। दोस्तों कैसे हैं, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हमारा आज हमारा हेमकुंड साहिब का दूसरा दिन है और हम अभी गोविंद धाम से निकल रहे हैं हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए। काफी सारे भाई लोग हैं जिनके साथ में हम यात्रा करने जा रहे हैं। कल तो हम दो चार जने थे बट आज देखो कितना सारा ग्रुप जो है वो जुड़ चुका है। पहुँचते हैं और रास्ते का जो भी हाल है, जो भी अपडेट है आपको उससे में देते हुए चलते हैं। आज अपने को काफ़ी सारी बर्फ़ मिलने वाली है तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। दूसरे दिन अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो जैसे आप गोविंद धाम से जस्ट बाहर निकलेंगे 500 मीटर 200 मीटर आगे आएंगे तो वहाँ पे जो है एक घोड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ से आपको हेमकुंड साहिब के लिए घोड़ा मिल जाएगा। चार्जेस जो है वो यहाँ से 1500-1600 रुपये हैं, जिसमें आपको जो ऊपर जाने के बाद में ग्लेशियर स्टार्ट होता है वहाँ तक लेके जाते हैं, वो वहीं पर आपको ड्रॉप करना है। फिर आपको 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पैदल से तय करना पड़ रहा है, अपने को जाना है वहाँ पर। यहाँ सामने है घोड़ा का काउंटर, यहाँ से आपको टोकन मिलता है घोड़े के लिए। घांगरिया से दो जगह का ट्रक जाता है, एक जाता है हेमकुंड साहिब का जिसपे हम जा रहे हैं और दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी के लिए। तो सामने आप बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ से फूलों की घाटी की दूरी 4 किलोमीटर है, ये वाला रास्ता जाता है। हम नीचे से आए गोविंद धाम से घांगरिया से, ये वाले रास्ते से अपन जाएंगे सीधे, वो देखो वाटरफॉल है, इस रास्ते से होते हुए हम पहुँचेंगे हेमकुंड साहिब के दरबार पे और यहाँ से दूसरा रास्ता चला जाता है। बट अभी है ना फूलों की घाटी ओपन नहीं है। फूलों की घाटी का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है जुलाई से, जिस टाइम पे मानसून आ जाता है उस टाइम पे वहाँ के जो नज़ारा ना देखने लायक होता है। कभी करेंगे, हर बार आता हूँ बोलता हूँ कभी करेंगे बट नहीं कर पाया अभी तक, बट कभी ना कभी तो ज़रूर करेंगे। दूसरे दिन का जो ट्रैक है पहले कदम से ही एकदम स्टीप हो जाता है, देख लो किस तरीके का रास्ता है, पूरा खड़ा चढ़ना है अपने को। ये जो सामने आपको झरना दिख रहा है इसी पहाड़ पर ऊपर चढ़ना है और काफ़ी हाइट तक करना है, 6 किलोमीटर जरूर है बट हाइट और एलिवेशन आज काफ़ी ज़्यादा गेन करेंगे हम। तो शुरू से ही ना अपने को धीरे धीरे और रुकते रुकते चलना पड़ रहा है। स्पीड देख लो हमारी किस स्पीड से हम चल पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलेंगे थक जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो कंटिन्यूसली थोड़ी दूर तक चल पाएंगे। तो जैसे आपको पहली खड़ी चढ़ाई दिखती है उसके साथ में दिखता है आपको बहुत ही खूबसूरत सा झरना। तो जहाँ आपको खड़ी चढ़ाई थोड़ी सी टेंशन देती है वहीं ऐसा नज़ारा आपको आपके दिल को सुकून देता है भाई। क्या प्यारा नज़ारा देखो मेरे पीछे, बहुत ही बड़ा सा वाटरफॉल है और नीचे की तरफ ग्लेशियर भी है। और ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं ये आ रहा है हेमकुंड साहिब जो सरोवर बना है वहीं से, नज़ारा देख लो कितना शानदार है भाई। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, ये है स्टीप रास्ता देख लो किस तरीके का। दोस्तों जो वाटरफॉल था ना जो भी हमने आपको दिखाया था उसके जो आप बूंदे देखोगे ना जो वाटरफॉल नीचे गिर रहा है और जो भाप टाइप जो निकल रही है क्योंकि बर्फ़ के ऊपर जब गिर रहा है तो बर्फ़ उछल रही है, वो देखो आपको सामने ना देखने को मिल रहा होगा। ये देखो पूरा है ना ऊपर तक ऐसी बूंदें आ रही है और हमारे ऊपर भी है ना हल्की हल्की ठंडी ठंडी बूंदें जो वाटरफॉल की है ना हमारे ऊपर भी गिर रही है, एकदम बारीक बारीक सी गिर रही है भाई। क्या सुकून वाली जगह है यार, ये दिल खुश हो जाए और मन को तो एकदम संतुष्टि मिल जाए भाई, ऐसी जगह है ये। भाई चढ़ाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्टीप है, जो नीचे से घोड़े आ रहे हैं ना वो भी भाई थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। मतलब लास्ट के जो 6 किलोमीटर है हेमकुंड साहिब के वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टीप मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे मिले अपने को, क्या नाम अपना? गुरसब सिंह। अपना? गुरप्रकाश सिंह। गुरप्रकाश सिंह भाई ये कल से मैं देख रहा हूँ, अंकल जी भी एक साथ में ये पैदल ट्रैक कर रहे हैं। तो आपको थकावट नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई कि थोड़ी बहुत हुई? थोड़ी बहुत ही हुई है। अच्छा कितनी उम्र होगी आपकी? 10 साल है। 10 साल भाई देख लो, 10 साल की एज है और ट्रैक कर रहे हैं पैदल। आपकी कितनी एज है? 9 साल। देख लो पैदल कर रहे हैं तो अंकल जी इनको लेके जा रहे हैं, अगर घोड़े आगे साइड 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 जो अंकल जी इनको ना लेके जा रहे हैं, हौसला रख रहे हैं कि चढ़ जाओगे धीरे धीरे।
यहाँ पर घोड़े बहुत हैं। बहुत घोड़े हैं, टफ है भाई ट्रैक, थकोगे आप, बट आप धीरे धीरे चलते रहोगे ना तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। हार्ड तो है ट्रैक, चाहे आप नीचे से आते हो तो इतना नहीं लगे, बट जो सेकंड डे है ना उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगेगा, थकावट भी होगी। रुक रुक के चलें, अभी दुकानें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है तो पानी वगैरह की व्यवस्था भी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी झरना वगैरह या फिर पहाड़ जो पानी निकलता है ना वो नहीं निकल रहा है। और धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं देखो कम होने लग गए हैं, सूखे पहाड़ दिखने लगे हैं सिर्फ पत्थर वाले, तो थोड़ी ऑक्सीजन की भी आपको इशू हो सकती है, इसलिए ठहर ठहर के रुक रुक के चलें। रास्ता कहीं कहीं पे ऐसा कीचड़ भरा और पथरीला भी है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये मोड़ है, अरे आराम से भाई देखो कैसा, अरे 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 घुस गया भाई वो उसमें पहाड़ के अंदर, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। बोल रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, सांस फूल रहे हैं, बोलते हैं तो बोलना तो मना ही है यहाँ पे। तो ये अपना एक दोस्त कबीरा वापस नीचे जा रहा है क्योंकि उसकी हो गई थोड़ी तबीयत ख़राब, चक्कर आने लगे हैं। तो अगर ऐसा आपको कहीं भी किसी भी ट्रैक के अंदर लगे कि थोड़ा सा भी आपकी तबीयत डाउन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर मतलब शरीर में ऐसी जान टाइप नहीं है, तो आप जिद ना करें भाई, वापसी चले जाएँ, यात्रा क्या लाइफ में आगे भी होती रहेगी। तो भाई चला गया वापसी, अभी हम तीन जने बचे, ये दोनों भी कह रहे थे नीचे जाने की पर इनकी तबीयत ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी जितना हो सके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा दिया हम, आधे घंटे तक तो हमने विचार किया, एक ने सोचा और एक ने फिर समझा, फिर उसने डिसीजन लिया कि हम मैं नीचे जा रहा हूँ। आज सुबह हमने अपना ट्रैक वो सामने आपको ऐसे घर वगैरह दिख रहे हैं ना वहाँ से स्टार्ट किया था, हाइट चढ़ चढ़ से देखो कितनी ज़्यादा हाइट चढ़ गए, मतलब बादलों के बराबर में आ गए, इधर में देखो ग्लेशियर कितने नज़दीक दिखने लगे। अब तो भाई कुछ देर के बाद में अपन ग्लेशियर में ही पूरा अपना जो 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो रहने वाला है। आपको बताया था मैंने कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ना पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, वही भाई पेड़ पौधे बिल्कुल है ना ख़त्म हो गए, बट अपना जो भाई था नीचे गया था वो वापसी आ गया, देखो ये वीडियो बना रहा, धूप निकली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप की भी ज़रूरत है, थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। सामने भाई आपको नज़र आ रहा है ग्लेशियर, और यहाँ से जो ग्लेशियर वाला रास्ता है ना वो स्टार्ट हो जाता है, जो कल से हम आपको कह रहे हैं कि लगभग 2.5-3 किलोमीटर में ग्लेशियर के अंदर अंदर होते चलना पड़ेगा, तो वो ये रास्ता है। सामने आप देख पा रहे हो ऊपर से भी लोग आ रहे हैं और नीचे से जाने वाले लोग भी जा रहे हैं, नीचे से जाने वाले कम है अब ऊपर से आने वाले ज़्यादा हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का ये सफ़र है पूरा। अब तो जो ट्रैक है ना उसके साइड में भी देखो बर्फ़ दिखने लगी है, धीरे धीरे हम ग्लेशियर पर पहुँच गए हैं, तो जो ग्लेशियर वाला रास्ता है ना वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे आपको ना घोड़े ड्रॉप करते हैं अगर घोड़े से आप आते हैं तो, और इसके बाद में आपको यहाँ से 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो पैदल ही करना पड़ता है, तो घोड़े वाले जो आपको चार्जेस बताए थे वो आपको यहाँ तक ला कर ड्रॉप कर देंगे। फिलहाल देखो नीचे की तरफ है ना पानी आ रहा है, जो बर्फ़ है उसका पिघल के पानी बाहर रास्ता जो ये बना है ट्रैक वहीं से जा रहा है, वो पूरा एकदम भयंकर पानी चल रहा है। फाइनली जो एडवेंचर है वो हमारा अब स्टार्ट होगा, जिस बर्फ़ को हम कल से इंतजार कर रहे थे आखिरकार पहुँच गए, क्या क्या नहीं हुआ इसमें, तबीयत ख़राब हुई हमारे कबीरा भाई की, अभी कबीरा भाई चश्मा लगा के स्मार्टी बॉय बन रहा है, एक तरफ की डंडी टूटी हुई है, हमें बिना चश्मा पहने इस बर्फ़ के अंदर से क्रॉस करना पड़ेगा, एडवेंचर है मज़ा आएगा। ये देखो भाई ऐसे बर्फ़ के ऊपर से ना रास्ता बना रखा है, जो SDRF NDRF की टीम है वो लगातार यहाँ पे काम करती रहती है, बहुत भयंकर बर्फ़ है, अरे चाँद का भी गिर जाता है, अभी गिरते गिरते बचाओ मैं, और देखो इतना आसान नहीं है ग्लेशियर में चलना, काफ़ी ठंड है, फिसले ना फिसलते हैं, हाथ लगा बर्फ पे ठंडा हो गया हाथ बिल्कुल ही, पैरों में ग्रिप नहीं बन गई, हड्डी बनाने के अपने बनाने के ये देखिए भाई SDRF की टीम है ना लगातार लगी हुई है रास्ता बनाने के लिए, ताकि यात्रियों का ना प्रॉब्लम ना हो, आराम से उतर पाएँ, उनके लिए सीढ़ियाँ बन रही है ताकि पैर फिसले ना, क्योंकि ब्लैक आइस हो रही है ना तो पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, इसके लिए ये लोग कर रहे हैं। सैल्यूट है सर, सैल्यूट, देखो कितना ज़्यादा मुश्किल ट्रैक है जिसमें दिन रात काम करते हैं, और यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया जो सुविधा है सुरक्षा उनकी वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जी 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 जी
आराम आराम से इन्हीं की वजह से भाई ये जितने भी ट्रैक है ना हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे स्नो है बर्फ है वो भाई संभव है। अगर ये ना हो तो ना तो रास्ते बने और ना रास्ते खुले। देख पा रहे हो आप दो रास्ते बना रखे हैं, एक तरफ से आने वालों के और एक तरफ से ऊपर जो जा रहे हैं उनके लिए। और कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, लगातार रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे चलने में ना सांस फूल रही है आपकी और जूते ठंडे पड़ रहे हैं क्योंकि जूते पहन रखे हैं ना, फिर भी जो पैर है ना वो ठंडे पड़ रहे हैं, गीले हो रहे हैं जूते। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है चलने में इस रास्ते में, बट फिर भी लगातार जो NDRF SDRF काम कर रही है उसकी वजह से ये यात्रा जो है वो यात्रियों की अच्छे से हो पा रही है। फिलहाल बर्फ़ देख लो आप, अब जो पूरे ग्लेशियर है ना बड़े बड़े ग्लेशियर उनके अंदर आ गए और लोग किस तरीके से देखो उतर रहे हैं। ये बर्फ़ के ऊपर से ना उतरने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, तो देखो डंडे के सारे लोग कैसे है ना मुश्किल से उतर पा रहे हैं डंडा लगा लगा के। और सामने भी आप देख रहे हो लेकिन उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और देखो किस तरीके से वो भैया ना माता जी को हाथ पकड़ पकड़ के आराम आराम से उतार रहे हैं उतरने में ज़्यादा। देखो फिसल रहे हैं, देखो आराम से भाई जी आराम से आराम से फिसल रहे हैं बार बार। थोड़ा माता जी को हाथ पकड़ के उतारते हैं नीचे की तरफ। आ जाओ आ जाओ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उतरने में। पकड़ो 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 हाथ पकड़ लो। चलो फोन चलो चलो एडी है ना, एडी रखो पहले, एडी एडी को गड़ाओगे ना तो फिर पैर नहीं फिसलेगा। एडी को गड़ा के फिर जाओ, एडी गड़ाओ हाँ ऐसे जैसे थोड़ा गड़ाओ उसको, ठीक है ना ऐसे ऐसे करके फिर गड़ाओ तब जाके फिर ठीक रहेगा। उतरने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है भाई। चढ़ते टाइम तो क्या चढ़ रहे होते हो आपके पैर जम जाते हैं, उतरते टाइम फिसलते हैं ज़्यादा। गुरुद्वारा साहिब से लगभग 1 किलोमीटर पहले दो रास्ते हो जाते हैं, एक जो नॉर्मल ट्रैक बना है वो और दूसरा ये है सीढ़ियों वाला। सीढ़ियों वाला स्टीप रहता है थोड़ा, अगर बर्फ़ रहती है तो फिर तो ख़तरनाक हो जाता है वाला रास्ता, तब इस रास्ते से ना जाएं, जो प्लेन वाला रास्ता बना है उसी से जाएं। और अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर बच्चे हैं आपके साथ में तो आप प्लेन वाले रास्ते से जाएं, क्योंकि इसमें ना खड़ी चढ़ाई है तो आपको थोड़ी थकावट भी होगी। हम तो फिलहाल इसी वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट पड़ेगा और 700-600 सीढ़ियाँ हैं तो हम धीरे धीरे कर जाएंगे पार। पहुंचने वाले हैं भाई, सामने जो है निशान सारे दिखने लगे हैं, सारी सीढ़ियां चढ़ गए, थकते थकते धीरे धीरे हम सबसे लास्ट बैच ही हैं ये लगा लो, आज सबसे लास्ट हम ही हैं। हमसे लास्ट में होंगे तो 20-25 लोग होंगे। बोले सो निहाल सांस है ना पूरा फूला पड़ा है। और यहाँ पे देख लो भाई बर्फ कितनी ज्यादा है गुरुद्वारा साहिब पे, दरबार साहिब में बहुत ज्यादा इधर में बर्फ है। अपने साथी लोग आगे पहुँच गए, हम धीरे धीरे पहुँचे, फाइनली पहुँच गए। 12 बज गए लगभग, 12 से ज़्यादा ही हो गया, 5.5 घंटे लग गए अपने को आने में। आप देख पा रहे हैं जो बर्फ़ है वो मेरी हाइट से भी ज़्यादा ऊंचाई में है ना बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है। रास्ता बना रखे उसके बीच से ही गुरुद्वारा साहिब अंदर जाके मथा टेक के आते हैं। देख लो पूरा ऐसे ट्रैक बना हुआ है, कमाल है भाई, गजब है भाई। ये जो ट्रैक है मज़ेदार है, आओ दर्शन करो यहाँ पे। अभी चलते हैं अंदर, गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार तो पहुँच ही गए हैं, अब अंदर दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे एक सरोवर है जिसमें नहा के डुबकी मार के उसके बाद में लोग दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं हमारा क्या मन बनता है। जल्दी वैसे 2 बार मैंने डुबकी मार रखी है। तो सामने है भाई गुरुद्वारा और ये है यहाँ का सरोवर,
पवित्र सरोवर। इसमें ना लोग डुबकी मारने के बाद में देखो दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये जो सरोवर आप अभी देख पा रहे हो पूरा है ना, इसमें बर्फ़ जमी हुई है। बट कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे साइड में ना पानी नहाने के लिए है, क्योंकि अब की बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है तो लोग नहा रहे हैं। मैं तो भाई इस बार नहीं नहा रहा, मुँह हाथ धो के उसके बाद में ही अपन मत्था टेकने के लिए चलेंगे। पानी इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, नहा सकते हैं वैसे, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है इसके लिए। अदरवाइज़ मैं हमेशा नहा के जाता हूँ। पैर वगैरह धो लेते हैं एंड देन दर्शन करने चलेंगे। वाहे गुरु। दसम पिता वर्गी जग अंदर काल सकदा होर काल कोई नहीं, जेड़ा पुत वारे ऐसा पिता कोई नहीं, जेड़ा पिता वारे ऐसा बाल कोई नहीं। तो भाई दर्शन हो गए दरबार साहिब के हमारे, एकदम अच्छे से अंदर मत्था टेक के आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं जो यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है, वहाँ पे श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, उधर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं, फिर निकलते हैं नीचे के लिए लंगर चखने के बाद में। और ये जो दोस्तों आप चला देख रहे हो ना, इसमें लेडीजें भी नहाती है और जेंट्स भी नहाते हैं। तो लेडीजें दूसरी साइड नहाती है और जेंट्स उस साइड में नहाते हैं, वो साइड जेंट्स के लिए बनी हुई है। इस पवित्र सरोवर से लोग जल भर के घर पे भी लेके जाते हैं, जैसे अपन लोग गंगा जल भर के लेके जाते हैं, वैसे यहाँ से लोग जल बोतल में भर के या फिर शीशे में भर के घर लेके जाते हैं। आवाज़ नहीं है। तो भाई मंदिर से भी दर्शन करके आ गए हैं। और दोस्तों आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ के ऊपर ना सात चोटियों पे सात जो निशान साहिब है वो लगाई गया है, बट फिलहाल वो ना यहाँ से नज़र नहीं आ रही क्योंकि पूरा बादल हो रखा है। जब आए थे तब एक दो दिख रहे थे, बट अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अदरवाइज आपको जूम करके दिखाते, दर्शन कराते उनके भी, कोई बात नहीं। मौसम की जो मर्ज़ी है, ऊपर वाले की जो मर्ज़ी, वैसा ही ठीक है। अभी चलते हैं लंगर हॉल की तरफ, लंगर चखते हैं और अपना वापसी नीचे के लिए प्रस्थान करते हैं। वाहेगुरु। तो ये है भाई यहाँ का लंगर हॉल, जहाँ पे लंगर में हमेशा जो है चाय मिलती है और दाल खिचड़ी मिलती है, जो कि यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं खा रहे हैं। तो हमने जो है फिलहाल लंगर चख लिया है, अब हम तैयारी कर रहे हैं भाई चलने की, क्योंकि यहाँ पे ना 2 बजे के बाद में रुकने दिया जाता है। 2 बजे के बाद में आपको यहाँ से नीचे जाना ही पड़ता है, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है इसके लिए। तो फिलहाल लंगर चख लिया है, करते हैं आगे के लिए प्रस्थान, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। चलिए दोस्तों दर्शन हो गए और जो अपनी हेमकुंड साहिब जी की यात्रा थी वो यहाँ पे हुई हमारी पूर्ण। फिलहाल जा रहे हैं वापसी नीचे गोविंद धाम के लिए, देखते हैं गोविंद धाम रुकते हैं या फिर गोविंद घाट पहुँचते हैं। ज़्यादातर लोग गोविंद घाट भी चले जाते हैं और आधे लोग गोविंद धाम रुकते हैं, तो जैसा भी रहेगा अपना कंडीशन उस हिसाब से हम आज स्टे करने वाले हैं। चलते हैं वापसी नीचे। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तेरा पहुंच गया।